मियां साहब फरमांदे ने सिख पुत्रां दी एडाडी होंदी ते आखण लोग सयाने ए मेवा नबियां भी मंगे ओ कर कर उजर बहाने ते पुत्र नेमत ऐसी है कि हर बाप की ख्वाहिश होंगी कि मैनू पुत्र अता कर या रसूल अल्लाह मैं दुआ करदा सा मैनू पुत्र अता कर या अल्लाह कमली वाले मेरी दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ने मैनू ये पुत्र अता किया कमली वाले ये पुत्र होया तो मैनू चाह चढ़ गए मैं खुशियां कीतियां मठियाईयां तकसीम कीतियां कमली वाले जो जो मेरा पुत्र जवान हुंदा जा रहा मेरी सदरां जवान हुंदियां जा रही पुत्र जवान होण ते बाप दलेर हो जांदे पुत्र जवान होण ते बाप दलेर हो जांदे कमली वाले इहदा बचपन सी ये मदीने दियां पहाड़ियां गवाह ने मैं इस पुत्र नूं इत्थे बिठा के सैर करांदा रहा कमली वाले एक बार मैनूं बुलांदा सी मैं दस बार बोलदा रहा या रसूल अल्लाह इन्हें कदी बीमार हो जाना इन्हें ते सुतियां रात गुजारनी असी इहदे कोल बैठ के रात गुजारनी कदी किसी हकीम दे कोल लै के जा कदी किसी तबीब दे कोल लै के जा के साडे पुत्र नूं कुछ ना हो जावे कमली वाले जूं जूं इहदी कमर सिंधी हुंदी जा रही ते मेरी कमर झुकदी जा रही कमर झुकदी जा रही ये जवान हुंदा जा रहा इहदे ते बहार आ रही ते मेरे ते खजां आ रही कमली वाले जवान हुंदा जा रहा जवान हुंदा जा रहा सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच बाबा नाले एक गल सुना रहा ते नाले बाबा ज़ारो कितार रो रहा एक गल सुनदियां सुनदियां इमामुल अंबिया दियां अखां दे विच भी अथरू जारी हो गए सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाबा ये नौजवान कहिंदा है कि मेरी जिहड़ी तनहाई है मेरा बाप आधी लै लैंदा बाबा फिर रो पिया कहन लगा कमली वालिया मैं इहदी तनहा नूं की करना कमली वाले तेरा ही फरमान है धियां जदों घर आन तो उन्होंने खाली नहीं टोरी दा मेरिया भैणा ते इहदियां बहणा जदों घर आंदियां ने मैं ते कुछ हुण कर ही नहीं सकदा कमली वालिया इहदी तनहा दे विच थोड़ा जिहा हिस्सा लै के कमली वालिया ते मैं इहदियां बहणा ते इहदियां भुखियां नूं देख के तकसीम करके मैं भेज देना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अखां विच आंसू आ गए सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम खड़े हुए सहाबा दा इजतमा सरकार ने उस नौजवान नूं करीब बुलाया बाबे नूं भी करीब बुलाया सरकार ने उस बाबे नूं सीने नाल लगाया सीने नाल लगा के मेरी सरकार ने फरमाया ओ नौजवान याद रखिया जे ओ नबी है जिस नबी नूं लोगों ने पत्थर भी मारे मगर इस नबी ने बददुआ नहीं कीती इस नबी ने दुआवां अता कीतियां करमी कदर हजरात जब ये जुमले सरकार दे उस बाबे दे सुने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौजवान पकड़ के जिड़किया मेरी सरकार ने फरमाया नौजवान निकल जा मेरी बारगाह दे अंदर आज तू बाद सुन ले जिस तरह तू अपने बाप दा है इसे तरह सारा माल भी तेरे बाप दा है ओदा दिल करे जिथे मर्जी सर अज दा ए पकीजा इजतिमा भाई मुहम्मद शहबाज साहब उन्हां दे वालिद मुहतरम मुहम्मद रियाज साहब मरहूम जिन्हां दे इसाले सवाब दे हवाले दे नाल मैं और आप अहबाब हाजर हां दुआ है कि हजूर दे वालदैन दा सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत शहबाज भाई दे वालिद मुहतरम दी कब्र ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए मेरा और आप अहबाब दा इत्थे मिल बैठ के अल्लाह और उहदे महबूब दा जिक्र करना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए ग्रामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद की जड़ी आयत मुबारक मैं पढ़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अनिशकुरली वाली वाली देख फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करो ते अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करो ये कौन फरमा रहा है रब कुरान अनिशकुरली वाली वाली देख फरमाया कि मेरा भी शुक्र अदा करो तो अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करो कुरान मजीद के अंदर जिथे जिथे अल्लाह करीम ने वालदैन का जिक्र फरमाया कमोपेश हर मुकाम ते
अल्लाह करीम ने पहले अपनी बात की ते फिर मापियां दी की थी। अर्ज की या इलाहू लालमीन जिक्र तुसी वालदैन दा करना हुंदा ते नाल तज़करा अपना कर दे हो तो खलके कायनात ने दसिया फरमाया कि तू एक लत उत्थे खलो के सारी रात इबादत करें नवाफल पढ़ें ते फरमाया सुबह उठ के तू माँ बाप दी ना फरमानी करें ते रब फरमांदा सानू तेरे जगरातियां दी लोड़ कोई नहीं। जे मेरी बारगाह दा कुरब चाहना रब फरमांदा है और सुबह उठ के माँ दे हाथ ते बाप दे कदम चुम तेरी रात सुतियां भी गुजर गई मैं इबादत विच शुमार कर लवा। मुकामे हैरत दी गल है कि मां प्यो साडे कदरां ओ रब प्या करदा है जिदे मां प्यो कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मां तेरी या मां दा हया करी मां तेरी ये कदरां रब प्या करदा है। हजूर ने फरमाया अगर किसी बंदे ने वेखना होवे चेक करना होवे ए हदीसे पाके हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हां। बुखारी शरीफ की हदीस सरकार फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं वेखा मेरा रब मेरे ते राजी है के नाराज है। आए हाय आज असी नमाज़ा पढ़ने हां किसे बंदे नु पता रब राजी है के नाराज है। लखा लोग हज करके आंदे जाओ जाके एयरपोर्ट ते खड़े हो जाओ जदू हाजी आन एक एक हाजी नु खड़े करके पूछ लियो और दसो हाजी हज करके आया तेरा हज कबूल है। वो आखेगा मैनू नहीं पता मैं कर आया रब जाने ते ओदा नबी जाने। किसे नू नहीं पता रब राजी है कि नाराज है। असी रोजे रखने हैं रोजे रख के दुआवां करने हैं या अल्लाह तू राजी हो जा या अल्लाह तू राजी हो जा मगर किसे नू नहीं हो पता रब राजी है कि नाराज है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया सरकार ने फरमाया जे तेरा दिल करे मैं वेखा मेरा रब राजी है कि नाराज है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मेरे बुजुर्गों अज असी नमाजा पढ़िए सानू नहीं पता साडा रब राजी है कि नाराज है। लोग जाके हज करके आते ने जाके काबे दियां दीवारां दे नाल रो रो के आते ने या अल्लाह राजी हो जाओ या अल्लाह राजी हो जाओ। रमजान का महीना आ जाए असी रोजे रख के दुआवां करने या अल्लाह राजी हो जा मगर किसे नू नहीं पता रब राजी है कि नाराज है। लोग उठ उठ के इबादत करते नवाफल पढ़ते हैं मगर किसे नू नहीं पता रब राजी है कि नाराज है। मगर सारियां दी तमन्ना यही है इबादत करने वाला चाहता है कि मेरा रब राजी हो जाए मगर किसे नू नहीं पता मेरा रब राजी है कि नाराज है। कायनात वाले हो कायनात दे अंदर कोई ऐसा पैमाना नहीं कोई ऐसा तराजू नहीं जड़ा तोल के नाप के दस देवे रब राजी है कि नाराज है। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दसिया मेरी सरकार ने फरमाया जे तू चाहना है मैं देखा मेरा रब राजी है कि नाराज है। फरमाया सुबह उठ के अपने बाप दा चेहरा वे जे तेरा बाप राजी है समझी रब राजी है। नहीं होते किसे फरमाया सी के वीर वीरों दे वैरी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां पाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां सुबह उठ के बाप का चेहरा फरमाया जे तेरा बाप तेरे ते राजी है समझ जाए और खुदा भी राजी है।
सरकार एक दिन सहाबा दे इजतिमा विच बैठे, मेरी सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने बाप दे चेहरे नूं वेखे अल्लाह उहनूं एक कबूल हज ते दो उमरां दा सवाब। एक सहाबी रसूल इस तरह उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह जी कमली वाले मेरी नबी दी बारगाह विच अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया कि जेड़ा बंदा बाप दे चेहरे नूं वेखे अल्लाह उहनूं एक कबूल हज ते दो उमरां दा सवाब। तो या रसूल अल्लाह जे कोई दो दफा देखे, फरमाया उन्हें दो हज ते दो उमरां दा सवाब। एक सहाबी इधर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अगर कोई तीन बार वेखे, फरमाया उन्हें तीन हजां दा सवाब। एक सहाबी सामने खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कोई चार मरतबा वेखे, सरकार फरमाया केड़ी एक ते दो दी गिनती विच पै गए, वह रब बड़ा बेनियाज है, तू सौ मरतबा भी अपने बाप दे चेहरे नूं वेखे ते सौ हज दा सवाब। बाप दी रजा दे अंदर अल्लाह ने अपनी रजा रखी, मां दा भी मुकाम बड़ा है, मां दी भी अजमत बड़ी है, मां दा मुकाम जेड़ा है वह अपना है, मगर बाप दा जेड़ा मुकाम मरतबा है वह अपना है। बाप एक असी सुने हैं और सरकार हदीसे पाक भी है, पढ़िया भी है कि सरकार ने फरमाया मां दे कदमां दे थले जन्नत है, मां दे कदमां दे थले जन्नत है। ये बड़ा मुकाम है, मगर कभी इस गल ते गौर कीता जे जिस मां दे कदमां थले मेरी तेरी जन्नत है ना, वो मां सारी जिंदगी ओ चिट्टी दाड़े वाले बाबे दी रोटियां पकांदी। क्यों? अल्लाह फरमाए मेरे नबी ने फरमाया तेरी जन्नत तेरे मां दे कदमां थले, मगर तेरी मां दी जन्नत जिहड़ी है तेरे बाप दे कोल है। ओ दस अगर मां आप ही जन्नत ना लै सकी ते मैनू तेन जन्नत कित्थों देवेगी। पता ये चलिया कि पहली जड़ी मेरी तेरी जन्नत है वो बाप है, 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 बाप है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानो, हजूर सलातो व सलाम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों बाप दियां अजमतां ते शाना बयान कीतियां, एक ताबी हजरत साबत बनानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अनस बिन मालिक दे इस शगिर्द ने, हजरत साबत बेनानी और ताबी ने और हजरत अनस दे शगिर्द ने, आप फरमाते ने कि मैं एक दिन गली दे विच गुजर रहा, आप फरमाते ने मैं वेख्या कि एक नौजवान गली दे विच खड़ा होके अपने बाप दे चेहरे ते थप्पड़ मार रहा। हजरत साबत बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लोग ओदे ते लान तान कर रहे, फरमाते ने मैं ताबी सा लोग मेरा हया करते सन। आप फरमाते ने मैं जदों करीब गया तो मैं जाके उस नौजवान आखिया, मैं कहा तेनू हया नहीं आंदी, जवान होके वडेरे बाप के चेहरे ते थप्पड़ मार रहे हैं। साबत मनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जदों मैं ये जुमले बोले, आओ फरमाते ने ओ जेड़ा बाबा थले मार पिया खांदा सी, ओ बोल के कहन लगा साबत बनानी मेरे पुत्र नु कुछ ना आखी, एदा कोई कसूर नहीं। आओ फरमाते ने मैं बड़ा हैरान होया, मैं क्या बाबा नाले मार पिया खाना है, नाले पुत्र नु कुछ कहन भी नहीं देंदा। बाबा बोल के कहन लगा साबत बनानी एदा कोई कसूर नहीं, एक वेला सी इसे गली दे अंदर खलो के मैं अपने बाप दे चेहरे ते थप्पड़ मार दा रहा। फरमाया इहदे विच इहदा कोई कसूर नहीं, इसे जगह ते मैं भी खड़ा होके अपने बाप दे चेहरे ते थप्पड़ मार रहा सा, इहदा कसूर नहीं, और जो मैं कीता वह मैं भुगत रहा। इस वास्ते कहंदे ने जैसी करनी जो बीजोगे वह वड्डोगे, और ये हकीकत है, रब्बे काबा दी कसम है, जो तुसी करना है जो तुसी करना है वो ही तुहाडी औलाद ने तुहाडे नाल करना। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शेर खान साहब आप फरमांदे ने कि वालदैन की खिदमत इस तरह करो, और इस चीज नूं ज़हन विच रखो कि तू
ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये एक किताब लिख रहे हैं अपने वालदैन दे नाल जो कुछ भी तू कर रहे हैं एक किताब लिख रहे हैं। फरमाया कल नू तेरी औलाद ने जवान हो गए यही किताब तेनू पढ़ के सुनानी है हूँ तेरी मर्जी है तू अपने बा बाप की फरमा बरदारी विच एक किताब लिख या ना फरमानी है। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੱਬ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਪ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਣੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਣੇ। ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਆਲ ਉਮਤ ਨੇ ਇਨਾ ਉਫਿਉਂ ਵਾਲਾ ਤਨਹਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਫ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਫ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। आपने फरमाया उफ जेड़ा मतलब है ना उफ लफज जेड़ा है ये बड़ा वड्डा है। फरमाया जेड़ा बंदा वालदैन दी खिदमत करदा होए मां या बाप दी फरमाया वो बिस्तर दे पै जान ते फिर बिस्तर दे उदा बाप पेशाब करे ते फरमाया पुत्र वो पखाना साफ करे ते पखाना साफ करदिया करदिया बो दी वजह तू स्मेल दी वजह तू अपने चेहरे ते अपने मुंह दे नक दे उत्ते कपड़ा रख ले। फरमाया उफ दे जुमरे दे अंदर आ जाए। खिदमत भी वो कर रहा है लेकिन उन्हें महसूस की पखाने की स्मेल ले। फरमाया वो भी उफ दे जुमरे दे अंदर आ जाए। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आओ फरमाते ने पुत्र दा हक ए वे कि बाप नू उदे नक दे विच रस्सी पा लवे ते उन्हूं बाजार लैके जावे कि मैं तुनू अज बेचना है ते फरमाया पुत्र दा हक ओ बिक जाए। पुत्र दा हक ए बिक जाए। ये हस्तियां बड़िया अजीम हस्तियां ने रब्बे काबा की कसम ये दुनिया दे तुसी इबादत करो नवाफल पढ़ो हज करो इबादत करो अगर तेरे माँ बाप नाराज ने ते तेरिया इबादतां तेरे चेहरे ते मार दित्तियां जाणगियां। रब फरमांदा सानू इहो जी इबादत की लोड़ ही नहीं जिहदे अंदर माँ बाप की नाफरमानी हो। इस वास्ते मेरे मिल्लत दे नौजवानों अपने वालदैन का अदब और एहतराम करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक नौजवान आया सरकार की बारगाह के अंदर आके कहन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर देखो मैं शादी शुदा हाँ मेरे बच्चे ने मेरा जड़ा बाप है जदू मैं तनहा लैके आना तो मेरा बाप उस तनहा दे विच कुछ हिस्सा रख लैंदा है ते हजूर देखो जी मैं मेरे बच्चे ने शादी शुदा वहां ते मेरा गुजारा नहीं हुंदा मेरे बाप नु बुलाओ ते उन्हें कुछ समझाओ कि इस तरह ना करया कर। सरकार अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया केड़ा बंदा है जेड़ा इहदे बाप नु जानदा है। एक सहाबी रसूल खड़े होए या रसूल अल्लाह मैं जानना। सरकार फरमाया जाओ इहदे बाप नु बुला के लैके आओ। हुण जदों सहाबी रसूल गए जाके उहदे बाबे दे दरवाजे ते दस्तक दित्ती वडेरा जिहा बाबा लाठी टेक दा कमर चुकी आके दरवाजा खोलिया सहाबी रसूल ने फरमाया तैनू मदीने दे ताजदार बुला रहे ने। बाबे दी खुशी दी इंतहा ना रही बाबा नबी दा गुलाम सी बाबा तड़प गया। अज 1500 साल तो बाद अज किसे दा उम्रे दा टिकट निकल आवे ते ओ मचलदा ते रोंदा ते मठियाईयां तकसीम करदा मैनू नबी ने बुलाया। मैं क्या यार जिस बाबे नू नबी ने आप सहाबी दरवाजे ते आया ते उस बाबे दी खुशी दा की आलम होवेगा जिन्हों आख्या होएगा कि जा आ तिन नबी पाक पे बुला। 1500 साल गुजरन तो बाद किसे दा उम्रे दा टिकट निकल जावे या मदीने जाना होवे ते ओ लोगन मिलदा मैं मदीने जा रहा मैनू कमली वाले ने बुलाया मैनू सोने ने बुलाया ते जिन्हों सोने ने आप ही बुलाया होवे कि आ तिन मदीने सरकार पे बुलांदे ने। ओ बाबा टुर पिया दे नाले नबी दियां नातां पढ़दा जावे ते नाले आंदा है तेरे रोजे ते आवां मैं मदीने विच रहन वालिया तेरे रोजे ते आवां मैं मदीने के सीने नुला वा मैं
ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਚਲਦਾ ਤੇ ਮਚਲਦਾ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਤੇ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦਾ ਟੇਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਤਨੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਤੇ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਮਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀ ਦਿਨ ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਂ ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਲਮ ਅਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬਾਪ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਡੀ ਹਾਂਦੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਕਰ ਕਰ ਉਜ਼ਰ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਪ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਪ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਸਿੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਕਮਰ ਝੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
सरकार अलैहि सलातु व सलाम दी बारगाह विच बाबा नाले एक गल सुना रहा ते नाले बाबा जारो कितार रो रहा। एक गल सुनदिया सुनदिया इमामुल अंबिया दियां अखां दे विच भी अथरू जारी हो गए। सरकार अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया बाबा ये नौजवान कहंदा है कि मेरी जड़ी तनहा है मेरा बाप आदि लै लैंदा है। बाबा फिर रो पिया कहन लगा कमली वाले मैं इहदी तनहा नूं की करना है। कमली वाले तेरा ही फरमान है धीआं जो घर आन तो उन्होंने खाली नहीं टोरी दा मेरिया भैणा ते इहदियां बहणा जदों घर आंदियां ने मैं दे कुछ हूँ कर ही नहीं सकता। कमली वाले इहदी तनहा दे विच्चों थोड़ा जिहा हिस्सा लै के कमली वाले ते मैं इहदियां बहणा ते इहदियां पुफियां नूं दे के तकसीम करके मैं भेज देना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अखां विच आंसू आ गए। सरकार अलैहि सलातु व सलाम खड़े हुए सहाबा दा इजतमा सरकार ने उस नौजवान करीब बुलाया बाबे नूं भी करीब बुलाया। सरकार ने उस बाबे नूं सीने नाल लगाया सीने नाल लगा के मेरी सरकार ने फरमाया ओ नौजवान याद रखिया जे ओ नबी है जिस नबी नूं लोगों ने पत्थर भी मारे मगर इस नबी ने बददुआ नहीं कीती इस नबी ने दुआवां अता कीतियां। करमी कदर हजरात जब ये जुमले सरकार दे उस बाबे दे सुने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौजवान पकड़ के झिड़किया मेरी सरकार ने फरमाया नौजवान निकल जा मेरी बारगाह दे अंदर आज तू बाद सुन ले जिस तरह तू अपने बाप दा है इसे तरह सारा माल भी तेरे बाप दा है ओदा दिल करे जिथे मर्जी करे। और क़यामत तक वास्ते उम्मत दे वास्ते ये पैगाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अज जड़े लोग कहंदे ना जी तो साडा बाप साडे कोलों पैसे लै लैंदा दूसरे भाई तू गनीमत जान के ए अल्लाह ने ए खिदमत तेरे हिस्से विच माँ बाप दे दिल बड़े नरम हुंदे ने इन्हां नूं अपनी औलाद दे नाल बड़ा प्यार हुंदा है। और रब्बे काबा की कसम है पुत्रां वाले बैठे हो पुत्र जवान करदे आ पता चलदा कि किस रासी औलाद की तरबियत करनी है। ओ पुत्र जदों जवान होवे तो फिर इंज दे काम करे कि पुत्र आखे कि अब्बा तैनूं पता नहीं चलता गल करन दा दस उस बाप दा कलेजा ना फटे तो की होवे। औलाद नूं पालना सौखी गल नहीं बड़िया मुशक्कतां दे बड़िया तकलीफां दे नाल इस पौधे नूं जदों जवान किया जाता है तो जदों फल दा वेला आए तो वह आखे बाबा तैनूं पता ही नहीं चलता गल करन दा अज का नौजवान गली दे मोड़ दे चरवाहे दे विच बह के कहंदा ओ यार असी ते कुछ करना चाहने साडे बाप नूं समझ नहीं आंदी साडा बाप ही नहीं साडा सुनदी साडा सुन साडी गल ही नहीं सुनदा। मैं कहा जिन्हें तैनूं पालिया इत्थों तक लोग कहंदे ने हमाम ते बह के गली दे चरवाहे ते बह के लोग कहंदे ने साडे बाप दा दिमाग ही कम नहीं करदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बे काबा दी कसम है नौजवान नूं हथ जोड़ के इल्तजा जे मरन तू पहला इस माँ बाप की कदर करो। बाप मर जाए तो 40 देगा पकाने का फायदा कोई नहीं दे जे तू ओदी जिंदगी दे अंदर ओदा अदब व एहतराम ना कीता। ये हकीकत गल मैं तुम्हें दस रहा जिंदा होवे तो तू भाई चार हो तो लड़ते ने तू बाप नूं दवाई लिया के दे तू दवाई दवाई लिया के दे मर जाए तो हर बंदा कहिंदा मैं देगा पकावांगा जिंदियां ते तू कदर कीती नहीं ते मोयां तेरियां देगा उन्होंने की करनियां ग्रामी कदर कर रात आखर ते मेरा एक पैगाम है भाई ने आख्या सी। और याद रखो कि ये सारे मामलात ये अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करना असी बैठे इस साले सवाब के हवाले दे नाल और साडा ये अकीदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत असी जो कुछ पढ़िया है इहदे सदके उस कबर वाले की करोड़ा रहमतां रब नाजल फरमाएगा। हो सकता उन्हां दी बख्शिश दा समां बन जाए मगर याद रखो सारियां चीज़ां ठीक ने नमाज मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां दी ठंडक है। सरकार फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। और सरकार अलैहि सलातु वसलाम दी हदीस मुबारक सुनो ये गल्लां भी सुनिया करो। सरकार फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा दोज़खी दोज़ख दे अंदर ते जन्नती जन्नत दे अंदर आउणगे जन्नती दोज़खियां नूं बोल के कहणगे ऐ दोज़ख विच आण वाले ओ केड़ी चीज तुहानू दोज़ख दे अंदर लैके आई। दोज़खी बोल के कहणगे असी दुनिया दे अंदर नमाज नहीं पढ़दे रे पता चलिया जिहड़ा बंदा नमाज ना पढ़े उहदा ठिकाणा
जहन्नम है ठिकाना जहन्नम है। और क़यामत वाले दिन सब तो पहला जड़ा सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे किया जाएगा। साढ़े माशरे के अंदर एक चीज होर बड़ी चल पई है, उधर अजान होंगी है, बंदे बैठे ने मैच देख रहे हैं या कोई मेहमान आए ने तो बंदे आखते हैं चलो बाद विच पढ़ांगे पढ़ांगे सही मगर बाद विच पढ़ लवांगे। एक कज़ा नमाज के बारे सुनो, जेड़ा बंदा कसद दे नाल कज़ा नमाज करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार फरमाते ने उहदे बारे फरमाया वेल दा लफ्ज इस्तेमाल किया फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया ओ लोग जेड़े अपनियां नमाजां तो बेखबर ने और वक्त नूं गुजार के पकड़दे पढ़दे ने, फरमाया वेल दोज़ख दे विच जहन्नम दे विच एक वादी दा नाम है वेल, फरमाया वो ऐसी वादी है जिदे कोलों जिदी सख्ती कोलों जहन्नम भी पनाह मंगदी है, फरमाया जेड़ा बंदा कज़ा नमाज करके पढ़दा है उन्हूं उस वादी दे विच सुटिया जाएगा। शरी तौर ते जेड़ा बंदा मजबूर है वो कज़ा पढ़ सकता है जैसा कि बंदा सफर दे अंदर है या कोई ऐसा शरी उजर है, लेकिन ऐसे ही बैठा बंदा दे आखे जी मैं बाद पढ़ लंगा उन्हां नमाजां दे बारे सरकार फरमाया उन्हूं उस वादी दे विच सुटिया जाएगा जिदे तू जहन्नम भी पनाह मंगदी। यार एक गल दा मैनू जवाब दो, जेड़ा बंदा कज़ा नमाज पढ़े वक्त गुजार के पढ़े उहदा ए हशर है ते जेड़ा पढ़दा ही नहीं, जेड़ा पढ़दा ही नहीं। सरकार दी बारगाह विच एक बंदा आया या रसूल अल्लाह घरां दे अंदर दस बंदे असी कमाउण वाले आ ते हजूर घर दे अंदर पूरी नहीं पैंदी, सरकार फरमाया नमाज पढ़दे हो जी या रसूल अल्लाह, फरमाया फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरे घर के बाहर तू कोई बेनमाजी गुजरिया तो वह साया तेरे घर से पै गया जिदी वजह तू तेरे घर के अंदर बेबरकती है, वो यार बेनमाजी का साया घर से पै जाए तो बरकत नहीं रहती तो जिस घर के अंदर ही बेनमाजी हो उत्थे बरकत कित्थों आएगी। साढ़े घर के अंदर चार चार पांच पांच बंदे कमाने वाले अफरा तफरी ते टेंशन ते तकलीफा क्यों, यदि वजह है असी रब दा कुरान नूं पढ़ना छोड़ दिता, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए रस्ते नूं असी छोड़ दिता। अज लोग कहंदे ने कर साहब दुआ करो अल्लाह साढ़े पुत्र नूं कामयाब करे, मैं कहा ओ रब जेड़ा पांच मर्तबा फरमांदा हय अलस सला हय अलल फला आओ कामयाबी दी तरफ आओ कामयाबी दी तरफ, उधर रब पे पुकारदा है तू इधर मुल्लां कोल जा रहे हैं, ओ दस तू रब नु छोड़ के दुनियादार कोल जावे ते तेरियां दुआवां कबूल होणगियां। इस वास्ते जिधर रब बुला रहा उधर और नमाज के अंदर आके साड़ियां नमाजा भी कोई इंज दियां हो गई, नमाज असी इत्थे पढ़ने हुंदे आ ते साहब असी अपनी दुकान का करने हुंदे आ कि फलाने दे पैसे मैं देने ने फलाने। इमाम आजम अबू हनीफा आप दी बारगाह के अंदर एक बंदा आया कहन लगा जनाब मैं एक कीमती शहर रख के भुल गया तो मैनू को वजीफा दसो, आपने फरमाया जा 1000 नफल पढ़ जाके। वो बंदा गया उन्हें जाके नफल शुरू किए थोड़ी देर तो बाद हसदा आ गया, आपने फरमाया की होया, कहन लगा जनाब वो चीज़ मिल गई, आपने फरमाया नफल किन्ने पढ़े नहीं, कहन लगा जी अजे दूसरा ही पढ़न लगा सर, आपने फरमाया मैनू पहला ही पता सी शैतान ने तैनू पढ़न नहीं देने। तो ग्रामी कदर हजरात नमाज जदू पढ़ो अल्लाह की बारगाह के अंदर इस तरह खड़ा हो कि वह रब तैनू वेख रहा तू रब के नाल गुफ्तगू कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा जदों नमाज वास्ते आंदे ते वुजू फरमांदे ते आप दे जिस्म दे कप कपी तारी हो जांदी ते चेहरा सुरख हो जांदा, किसे पुछिया हजूर तुसीं नमाज जदों वुजू फरमांदे हो नमाज पढ़न लगदे हो ते चेहरे ते चेहरा सुरख हो जांदा, आपने फरमाया वो बारगाह इन्नी वड्डी है उहदी बारगाह दे विच जा रहे हैं। जदों वो रब की बारगाह विच खड़े होंदे सन वो लोग दुनिया तों उन्हां दा ताल्लुक खत्म हो जांदा सी, उन्हां दा ताल्लुक सिर्फ रहिंदा सी खुदा दे नाल। इस वास्ते साड़ियां नमाजां दे विच असर भी इहदे वजह तों नहीं कि साढ़े ख्यालात ही पाक ने, बंदे आखदे ने जी नमाज ये अकीदा साडा नमाज बुरे कम्मां तों रोकदी है। एक बंदा हाजी है नमाज भी पंज वक्त पढ़दा ते जाके फिर मिलावट भी करदा, एक बंदा नमाजी है नमाजां भी पढ़दा ते जाके दो नंबरियां करदा है, तो फिर कहंदे जी नमाज नमाज ते बुरे कम्मां तों रोकदी है। एक ही वजह है कि नमाजी बंदा ही जाके दो नंबरी कर रहा है, उसकी वजह है वे कि नमाज ठीक है तू ते मैं नहीं ठीक, मेरा ते तेरा अंदर ठीक नहीं।
ग्रामी कदर हजरात हाथ जोड़ के सजाए ए दुनिया ए सदा इथे बड़े बड़े शाहजोर बहादुर लोग आए जद ललकारा मौत दबजिया ते हेठ कबर दे आए इथे बड़े बड़े लोग आए बस मौत मौत ने किसी ने नहीं छड़िया आखर मौत जे रब्बे काबा दी कसम है कामयाब है ओ बंदा जेड़ा मरण तू पहला जेड़ा बंदा अपनी मौत की तैयारी कर लवे अज वक्त है और मौत की तैयारी कर लवो अज वक्त है कल वक्त नहीं होना वो कदर नबी दा मालूम होया बाइया मिसर गयानु कदर यूसुफ दा मालूम होया बाइया मिसर गयानु वो कदर नबी दा मालूम उसी कबरां विच पियानु ओए उत्थे ते जाके पछताना ही मगर अज जे वक्त है मैं कहना इन्ना के कम करके जरूर जा जदू तू कबर दे अंदर जावे ते सरकार फरमान वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है इस तरह करके जा और मेरी ये तमन्ना है मेरा ये अकीदा है कि कबर च जद पुछया नकीरा कबर च जद पुछया नकीरा मैं फट बोलना मुस्तफा दा फकीरा कबर च जद पुछया फकीरा मैं फट बोलना मुस्तफा दा फकीरा मुस्तफा दा बस आखिरी गा भाई तकरीर खत्म होगी 3 बजे का मैनू टाइम सी बस गल खत्म हो गई ग्रामी कदर हजरात ये गल याद रखो आखिर ते मैं ये पैगाम देना चाहना सरकार रब्बे काबा की कसम है जब कबर दे अंदर जाएगा ना कबर दे अंदर वो मुस्तफा ने भी तशरीफ लैके आना है उत्थे सरकार की जात ने आना ही उत्थे जा उत्थे पूछा जाना ही दस 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 इन्हां दे बारे की कहंदा रहे फिर दस तेरे को जे तू ना फरमानिया दे विच जिंदगी गुजारी तो दस की जवाब देगा उथे एक तस्वीर विखाई जाएगी एक तस्वीर कबर दे अंदर एक तस्वीर विखाई जाएगी फिर तस्दीक कराई जाएगी पढ़ लो लाए ला माइक छोड़न लगा और हर बंदा जितने भी बंदे मौजूद हो मैनू यकीन है सारे मुसलमान बैठे हो और हर बंदे नू कलमा आंदा है कोई बंदा खामोश ना रहे मैं दुआ करना या अल्लाह आज जेरा मेरे ना मिल के तेरे नबी दा कलमा पढ़े जद दुनिया तू जावे ते उदू भी तेरे महबूब दा कलमा ही पढ़दा जावे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इस कलमे दे राज न्यारे ने इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डूबदे बेड़े तारे ने सानू दसया कमली वाले ने पढ़ लो ला हक लाए डूंगी कबर ते रात अंधेरो सी उथे उम्मत दा सुल्ताना सी ओ पढ़ कलमा ते बेड़ा पारो सी पढ़ लो ला हर बंदा दुआ करया करे जदू मरिए ते जुमे दा दिन होवे मैं ते दुआ करना के जदू मरां ते जुमे वाला रोज होवे
जथू मरा ते जुमे वाला रोज होवे मेरी मैयत ते कल में दा शोर होवे आँख खोला ते नबी मेरे कोलावे पढ़लो ला सुनो